पारी है हमारे अगले परफॉर्मेंस की। इस परफॉर्मेंस में थी अगले जन्म मोहे बिठा ही की जो की लाली। डांस उनकी उदास जिंदगी में अभी खुशियां लाने ही वाला था। मन का मयूर अभी कजरारे कजरारे करने ही वाला था कि अचानक वो बीमार पड़ गई। लेकिन ऐन मौके पर एंट्री मारी है जसवीर ने और हाथ थाम लिया है डांसिंग स्टार धर्मेश सर का। तो पेश है जसवीर और धर्मेश सर की सनसनाती जोड़ी। बेस्ट ऑफ लक धर्मेश सर, बेस्ट ऑफ लक जसवीर, होल टाइम से। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। सवाल हो गया। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। अरे टुकुर टुकुर देख रहे थे ना, वो एक्ट था। एक्ट था। तो चलो देखते हैं कि मास्टर्स ने मजे लूटे कि नहीं इस परफॉर्मेंस में। और हम पूछेंगे पहले मास्टर रेमो से। मास्टर रेमो। हेलो जस्सी, गुड टू सी यू बैक। पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आए आप, और आपने इसको काफी हद तक निभाया, काफी हद तक निभाया। और ये इट वॉज वेरी नाइस सिंपल एंड स्वीट एक्ट। ओनली थिंग इज अगर सिग्नेचर स्टेप अच्छा लगता आपको? मैंने चेंज किया क्योंकि ओके या देयर इज देयर वाज समथिंग बट आई एंजॉयड इट। सो ऑल द वे बेस्ट। थैंक यू फॉर दैट आवर। सिंपल एक्ट था और जो सिग्नेचर था जो स्टेप थोड़ा फोर्स आ गया उसमें करते वक्त, आई गेस विद ऑल द एनर्जी एंड एंग्जायटी।
good performance, Dharmesh and Jassi. Last moment, I would just say, yaar, good. All the best. Thank all you. All the best. मैं ये कहूँगी कि must be traumatic for धर्मेश सर, क्योंकि एक हफ्ते में उनको पता नहीं चला कि वो किसके साथ एक्चुअली नाचने वाले हैं और उनके नंबर्स बदलते गए, इन टर्म्स ऑफ कोरियोग्राफी बदलती गई, तो आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम. लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ा एंड इट्स ऑल्सो बिकॉज आई एक्चुअली वॉन्ट थैंक जस्सी फॉर डूइंग दिस. इट टेक्स अ लॉट कि आप उठ के कहें कि हाँ ठीक है, लास्ट मोमेंट में आ जाती हूँ, एक घंटे में ये भार उठा लेती हूँ अपने सर पे. एंड ये एक्ट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया. मैं जानती हूँ आपने बहुत कम समय में इसको जो भी किया, आपने बहुत कम समय में किया. एंड आई विश लाली वॉज हियर टू, बट शी अनफॉर्चुनेटली इज अनवेल, सो आई वुड से आई मिस हर, बट थैंक यू फॉर डूइंग दिस. Thank you so much. Thank you very much. Dharmesh, well done. Thank you, ma. Thank you so much, masters. Grandmaster. Dance ki kya baat kar rahe ho? Matlab Jassi to already very graceful dancer. Last time bhi hum dekh chuke hain aur jante bhi hain ki Jassi bahut confidence hai. Aur jab suna maine ek ghante ke andar Jassi ne aake isko sambhala hai. I think Jassi kya bataye aapko? Kis tarah आपको कहे कि क्या बात, क्या बात, क्या बात. थैंक यू दादा, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच ग्रैंड मास्टर. जैसे आप सभी जानते हैं कि धर्मेश सर की पार्टनर अगले जन्म मोहे बिठा ही की जो कि लाली है, और वो आज हमारे साथ है, तो मैं उन्हें मंच पे बुलाना चाहूंगा. अरे पागल, सॉरी, आई एम रियली सॉरी. क्या बात है, सॉरी सॉरी कौन कहाँ. गीता माँ, आई कैन फील शी शिवरिंग. आप की तबीयत बहुत खराब है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या मैं पूछ सकती हूँ. हमने कहा था कि धर्मेश सर के लिए कुछ भी करेंगे इसलिए हम यहाँ हैं. और आई जस्ट वॉन्ट टू से आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत गलत टाइम पे बीमार पड़ी. मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने गलत टाइम पे मुझे बीमार किया. एंड बस इतना कहना चाहूँगी कि साथ देना था इसलिए यहाँ तक हूँ. एंड आप बोलो क्या बोलना है. ऐसा मौका कभी आपकी ज़िंदगी में ना आए जहाँ पे आपको किसी को भी सॉरी बोलना पड़े. आई डोंट वॉन्ट यू टू एवर से सॉरी, आपकी गलती नहीं थी एंड आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट यू आर हियर राइट नाउ. लेकिन एक और परमिशन चाहूंगी. पहले तो कुछ मैं लेकर आई थी, वो मुझे क्या स्टेज पर मिल सकता है. आई एम रियली सॉरी, मैं अपने हाथ से लाना चाह रही थी. तो ये गीता माँ के लिए है. आई एम रियली सॉरी धर्मेश, आप हेल्प करेंगे. आपकी इतनी अच्छी कोरियोग्राफी पे मैं नाच नहीं पाई, जो कि मेरे लिए सच में. आप नहीं करोगे ये. आई लव यू टू माँ. एंड एक कमाल की बात यह है कि मैं धर्मेश सर के साथ सिर्फ 5 घंटे के लिए मिली, लेकिन पहली मुलाकात में ही, दादा मैं आपको बता रही हूँ कि पहली मुलाकात में ही मैंने इनका टी शर्ट फाड़ दिया. एक्चुअली इनके यूनिक का टी शर्ट था, उसमें डांस रिहर्सल में एक ऐसा कुछ मोमेंट था जो कि टेक्निक से मुझे नहीं हो पा रहा था, तो मैं धर्मेश सर बोलते थे कोई बात नहीं लटक जा, और मैं लटक जाती थी. तो यूनिक का जो इनका टी शर्ट था वो वी हो गया था. प्लीज़ वो पैकेट मुझे दे दीजिए. ये धर्मेश सर के लिए टी शर्ट या शर्ट है जो कि आगे से खुलता है. अगर कोई अगली बार से लड़की लटकेगी तो बटन खुल जाएगा लेकिन फटेगा नहीं. चलो आप धर्मेश सर को कोई टेंशन नहीं लेकिन है. लेकिन एक और बात है गीता माँ, मुझे मालूम है कि DID जैसे फ्लोर पे मेरे जैसे नॉन डांसर को डांस करने का दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, तो आज ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहती. लेकिन बस एक कोशिश है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोशिश में कोई हर्ज तो है नहीं. क्यों धर्मेश सर, धर्मेश सर संभालेंगे. आप अगर परमिशन देंगे. मैं मास्टर्स की परमिशन चाहती हूँ. प्लीज प्लीज प्लीज. नहीं मुझे लगता कि दादा प्लीज, दादा प्लीज. आई थिंक आपकी तबीयत ठीक नहीं है. दादा प्लीज जस्ट आप प्लीज खड़ी हो जाओ, अच्छा नहीं लग रहा. मैं समझता हूँ आपकी तबीयत ठीक नहीं, आपको नहीं करना चाहिए. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आपके आने के लिए बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू. वेल लाली, ग्रैंड मास्टर ने कहा कि डांस करने की कष्ट मत कीजिए, लेकिन आप दोनों से मैं एक कष्ट करने के लिए कहूंगा कि प्लीज
प्लीज आप अपने फैंस अपनी जनता से कहिए कि धर्मेश सर के लिए वोट कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके वोट के जरिए वो फिनाले तक पहुंच जाए। जनता जनार्दन से एक के बाद कहना चाहेंगे कि लाली को धर्मेश सर से बहुत प्रेम है, और अगर आप लोग को अपनी ललिया से तन को प्रेम है तो धर्मेश सर को तब तक वोट देते रहिए जब तक कि जीत नहीं जाए। तो धर्मेश सर को वोट देने के लिए टाइप कीजिए, इस पे लंगवा बताइए, टाइप कीजिए DHARMESH और भेज दीजिए 57575 पर, माने कि 5757 और 5 पर। क्या बात है, we are